अल्लाह का कुरान कहता है मन आरगम जिक्री फइन लहू मईशतन गनका, जो नमाज से मुंह मोड़ेगा, रमजान से मुंह मोड़ेगा, कुरान की तिलावत से मुंह मोड़ेगा, मेरे हुक्मों के सिदोगिरदानी करेगा, सबसे पहले मैं उसके कारोबार को तबाह करके रख दूंगा। मेरी अपनी बात नहीं, मेरे उस्ताद की बात नहीं, मेरे पीर की बात नहीं, मेरे अजीजो दुनियादार की बात नहीं, सियासतदान की बात नहीं, दीनदार की बात नहीं। अल्लाह का कुरान कह रहा है मन अरदा अन ज़िक्री, अजान सुन के करवट बदल के लेट जाएगा, रमजान मुबारक का महीना आएगा, जानबूझ के रोजे नहीं रखेगा, मेरे कुरान से रुगिरदानी करेगा, मेरे नबी की सुन्नतों का इनकार करेगा। आप फिर कारोबार करके देख ले, तू शराकत करके देख ले, हुकूमतों में पैसा लगा तेरी मर्जी, अपनों के साथ कारोबार करके देख ले अब तेरी मर्जी, पराए को अपनी दुकान पर बिठा ले या रिश्तेदार को अपनी दुकान पर बिठा ले, अगर तू नमाज के सजदों का इनकार करेगा मैं तेरी खेती बाड़ी तेरे कारोबार को तबाह करके रख दूंगा। फिर मैं तेरे भेद को कयामत के दिन छुपाऊंगा नहीं, फिर मैं तेरी बात को पर्दे में ही रखूंगा, फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आंधी जांधी कर दूंगा, जांधी करूंगा फिर मैं नहीं क्यों नहीं करूंगा, वरना शुरू यौमल कयामत आमा, फिर तुम जिंदा आंखों के साथ खबरों में जाओगे, मैं तुम्हें नबी ना करके कयामत के दिन उठाऊंगा। दाएं बाएं देखेगा कहेगा अम्मी नजर नहीं आ रही, अब्बू नजर नहीं आ रहा, रिश्तेदार नजर नहीं आ रहे, खानदान नजर नहीं आ रहा, कौम बरादरी नजर नहीं आ रही, मेरे वसीबी नजर नहीं आ रहे, मेरे मुरीद नजर नहीं आ रहे, जिनको मैं अपने अपने मेलों पर बुला के कुत्तों की लड़ाई दिखाया करता था, बैलों की लड़ाई दिखाया करता था, खरगोश की लड़ाई दिखाया करता था, वालीवाल के मैच। मेरे अजीजों मुझे एक बात को बताओ, जो वली कुरान पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला गया उसके मेले के ऊपर कुत्ते चाहते आपको मुझे शर्म क्यों नहीं आती है? जो वली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आपको मुझे इश्क के जाम पिलाता चला गया, उस वली की कब्र पर बेनमाजी का क्या काम है? उस वली की कब्र पर दाढ़ी मूंड का क्या काम है? उस वली की कब्र पर मेरे अजीजो नाच गाने वालों का क्या काम है? उस वली की कब्र पर चिमटे वालों का क्या काम है? तबले वालों का क्या काम है? जो वली दिन में कुरान की तिलावत किया करता था और रात को मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह के आगे रोया करता था, उस वली की बरकत से अल्लाह पूरी पूरी बस्ती वालों का अज़ाबे कब्र माफ कर दिया करता था, उस वली की बरकत से अल्लाह जल्ला शानू लोगों को हिदायत दे क्या करता था, उस वली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उस पीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उस गौस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुजद्दद अल्फ सानी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हजरत मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने क्या बिगाड़ा, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने क्या बिगाड़ा, हजरत बाबा बुल्ले शाह ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, पीर वारिस शाह ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, सखी सरवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, गोलड़े शरीफ वाले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, जो सारी दुनिया को कुरान की दौलत से शराब करके चले गए उनके मजारात पर तुम्हें नंगा नाच करते शर्म क्यों नहीं आती है? जो पेट पे पत्थर बांध बांध कर कुरान सुना के चले गए, पत्थर खा खा कर अल्लाह का दीन बयान करके चले गए, और मेरे अजीजों उनकी कब्रों के पास खड़े होकर तुम्हें मुजरा करते आपकी बात नहीं करता, लोगों को मुजरा करते नंगा नाच निताते, क्यों खुदा का डर हासिल नहीं होता है? हजरत पीर बासी बिल्ला रहमतुल्ला अलैह, पीर बासी बिल्ला रहमतुल्ला अलैह अपनी मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहा है, अपनी मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा है, आपके मुरीद दौड़े दौड़े आ गए, कहने लगे हजरत जी पेट में आपके दर्द है, फरमाया नहीं नहीं, हजरत जी कोई बुखार है, फरमाया नहीं नहीं, आप दुश्मन का किसी दुश्मन ने आप पे हमला कर दिया, फरमाया नहीं नहीं, हजरत जी कोई परेशानी आ गई, नहीं नहीं, बताओ तो सही क्या बात है, फरमाया चार मेहमान मेरे घर के अंदर आ गए, रब्बे अकबर की कसम है मेरे घर के अंदर एक आटे का पेड़ा नहीं है ताकि मेहमानों को रोटी पका के खिला सकूं।
मुरीद कहने लगा जो अगली बात बताऊंगा जरा उस बारे में आप सोचिए, हालत ये है बुदड़ी पोच है, हालत ये तमंगली है, हालत ये गरीबी है। चार मेहमान आ गए, उस पीर के पास आटा आटा कोई नहीं, उस पीर के पास आटे का पेड़ा कोई नहीं, उस पीर के पास सालन कोई नहीं, सब्जी कोई नहीं है। मुरीद ने अपनी जेब में से पैसे निकाल दिए और कहने लगा जरा ये पैसे ले लो, खाने का इंतजाम कर दो। जब मेहमान खाना खा के चले गए, वही मुरीद हजरत की खिदमत में आके बैठ गया। हजरत जी आपका बहुत शुक्रिया। फिर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद हजरत जी का हाथ पकड़ लिया, फरमाया हजरत जी खुदा के वास्ते मुझे अपने जैसा बना लो, अल्लाह के वास्ते मुझे अपने जैसा बना लो, अल्लाह के वास्ते आज कुछ मेरी झोली में डाल के मेरी झोली को भर दो। उस दुनिया वाले को उस मुरीद को भी पता था मेरे पीर के पास दुनिया का मालो मता कोई नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम की रहमत का खजाना जरूर मौजूद है। रोजे रखे अल्लाह को राजी कर लिया, नफिल सुन्नतों में अल्लाह को राजी कर लिया। एक आम आदमी कहने लगा मुझे अपने जैसा बना दो, पीर बाकी बिल्ला ने कहा फिर मेरे गले लग जा। हजरत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के गले लग गया, आपने जोर से दबाया और फरमाया अल्लाह, इतना कहना था अल्लाह अकबर, जिसके कलेजे से लगा अल्लाह की रहमत जो दिल के अंदर थी, अल्लाह की रहमत के अनवारा जो दिल में के अंदर थे, नूरे रहमत का खजाना जो दिल के अंदर था, अचानक उसके दिल के ऊपर जाके लगा लफ्ज अल्लाह की पुकार से उसका कलेजा ही फट गया, वही मर गया। फरमाया अल्लाह अकबर, जो मुझे रियासतों में धक्के खा खा के, जो मुझे अल्लाह अकबर अपने परायों के पत्थर खा खा के जो मिला, अल्लाह अकबर तू कैसे चाहता है कि वो एक मिनट के अंदर तुझे हासिल हो जाए। अल्लाह वालों के पास माल नहीं हुआ करता, अल्लाह वालों के पास मेरे अजीज और दुनिया का दरियाज नहीं हुआ करता, अल्लाह वालों के पास सोना चांदी नहीं हुआ करता, लेकिन इनकी गुदड़ी खोल के देख लो, आज से 9 साल पहले तुम्हारे खाने वाल के अंदर मेरे अजीजों, कोई दूर की बात नहीं, जाओ खाने वाल में तहकीक कर लेना, ये शोर कोट है, इससे आगे मेरे अजीजों खाने वाल का इलाका शुरू हो जाएगा, अब्दुल हकीम आएगा, खाने वाल की जरूरत आ जाएगी। आज से 10 साल या 15 साल पहले एक मजदूर मेरे अजीजों गलियों में फिरा करता था, लेकिन वो मजदूर मेरे अजीजों पाकी ना पाकी का ख्याल किया करता था, उसके ऊपर सिक्योरिटी ने हमला कर दिया, पता नहीं कौन से मुल्क का जासूस है, उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा डालकर अल्लाह अकबर ने जाने लगे। उस अल्लाह वाले ने खुदाई ताकत के साथ वो कपड़ा हटाया और कहने लगे मेरी बोरी में पूछ क्यों क्या है, रब्बे काबा की कसम अपनी बोरी खोल के उस वक्त के पकड़ने वालों का सर यूं करके बोरी के अंदर छोड़ दिया, उसका सर बोरी के अंदर कर दिया जो पकड़ने के लिए आया था, बोरी के अंदर इसका मुंह दिया, जोर से अल्लाह अल्लाह कहने लग गया। लोगों ने क्या क्या हुआ, कहा इस अल्लाह वाले को ना छेड़ो, इसका ताल्लुक एजेंसियों के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक भारत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक राह के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक खुदा के साथ मदीने वाले के साथ है। रब्बे काबा की कसम जैसे मेरी बोरी में सर गया, मैंने आंख खोल के देखी, दाएं देखा मुझे खुदा का घर नजर आया, बाएं देखा मोहम्मद मुस्तफा का मुझे रोजा नजर आ गया। ना मत्थे दा दिल वेख दे अल्लाह वाले जे देखन ते दिल वेख दे। एक मजदूर मेरे अजीजों हजरत इमामुल औलिया अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मेरे अजीजों इशा की नमाज के बाद जब आम शेरा वाला में चटाई पे बैठ के अल्लाह का कुरान बयान किया करते, एक मजदूर मेरे अजीजों रावी पार करके आया और अल्लाह अकबर नंगे पैर आया। हजरत इमाम हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अहमद अली लाहौरी ये वो लाहौरी जिसने सारी जिंदगी में कभी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया, जिसने सारी जिंदगी के अंदर बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाया, वक्त का गवर्नर है मेरे अजीज लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से रख करने लगा, हजरत जी आप मेरी बच्ची का निकाह पढ़ा दे। पर मैं जाओ जाओ हम फकीरों का अमीरों की महफिल में क्या काम है, बड़ा इसरार किया गवर्नर नाजमुद्दीन ने, बड़ी बड़ी सिफारिशें बुलवा ली। लाहौरी रहमतुल्लाह ने 4 शर्तें रख दी, पर मैं तेरी गाड़ी में नहीं आऊंगा, तेरी सवारी पर नहीं आऊंगा, अपने साइकिल के ऊपर आऊंगा। दूसरी फरमाया मेरी ये फरमाइश है, मेरी ये शर्त है, निकाह की मजलिस के अंदर कोई औरत मौजूद ना हो। फरमाया फिर निकाह पढ़ाऊंगा,
अंग्रेज के बनाए हुए निकाह नामे आईनी कानून आईनी आईनी निकाह नामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। चौथी बात ये, खबरदार मुझे पानी का भी इस्तार न करना, मैं तेरी बेटी की शादी का पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। ये चारों शर्तें मंजूर कर दी गई। अल्लाह रहमतुल्लाह ने निकाह पढ़ाने के लिए आए, अहमद अली लाहौरी कुर्बान डो तेरी पाकीजगी पर, तेरे तकवे पर, तेरी तहारत पर। जब पढ़ाने के लिए निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, निकाह पढ़ा दिया। जब मेरे अजीजों हमारे यहाँ दस्तूर है, जब निकाह की महफिल खत्म होती है, छुआरों की थैलियों के साथ फौरन डिशें खुल जाती हैं, खड़खड़ की आवाज आती है, बर्तन खुल जाते हैं, हटो बच्चों के नारे लगने लग जाते हैं। अल्लाह लाहौरी ने निकाह पढ़ाया, खाना शुरू हो गया। अल्लाह का बंदा अपने खद्दर वाला जोड़ा कुर्ता तहमत पगड़ी बांधकर अपने कंधे पर चादर डाल के निकले। गवर्नर साहब कहने लगे, लाहौरी जरा मुड़ के तो देख, ऐसा खाना आपने जिंदगी के अंदर खाया तो दूर की बात है, देखा नहीं होगा। कहीं बकरे का गोश्त है, कहीं मुर्गी का गोश्त है, कहीं बड़े का गोश्त है। लाहौरी की आंख में आंसू आ गए, अपनी जेब के अंदर हाथ डाला, चने की मुट्ठी निकाल कर अपने हाथ में रख दी। फरमाया, रब्बे अकबर की कसम है, तेरे बकरे का गोश्त मेरे चने का मुकाबला नहीं कर सकते। वो कहने लगा, क्या? फरमाया, तू बकरे का गोश्त खाएगा, खाने वाले रात को जिना के अड्डे पे जाएंगे, खाने वाले रात को मुजरे के अड्डे पे जाएंगे। तेरे यहाँ से गोश्त खाने वाला कोई नाचेगा, कोई गाना गाएगा। रब्बे अकबर की कसम, ये हलाल की कमाई के चने है। लाहौरी को इनकी औकात का पता है, इनकी अहमियत का पता है। लाहौरी जब को भूख लगती है, दिल के अंदर ये चने खा के पानी का घूंट पी लेता है। जिस दिन ये चने खाता है, उसी रात आमना के लाल की मुझे ज्यारत नसीब हो जाती है। कहां से लाएंगे आप पैसे अल्लाह वाले? हर जगह आपको मंत्र बताने वाले अल्लाह अकबर। कोई आपको मेरा जी तो अंगूठी देगा, कोई आपको दो नंबर तवीज देगा, कोई आपको मेरा जी को फिदरी सी देगा, ये पास रख ले तेरा बैठ काम हो जाएगा। रब्बे काबा की कसम, 300 साढ़े 4 वालों, आज मुझे मसला हक बयान करने दो, मैं मेरा जी किसी का मुमला नहीं करूंगा। भाई फौजी मुश्ताक ने अपनी हलाल कमाई में से प्रोग्राम किया और मुझे मेरा जी में इनके घर का हलाल खाना खा के गया। मुझे जेब नहीं देता, खाना हलाल खाऊ और दो नंबर करके चला जाओ। मरना आपने भी है, मरना मैंने भी है। मैं आपको आपके कीदे से हटाने नहीं आया। बेशक आप मसलकन सुन्नी हो, आपकी मर्जी, अल्लाह आपको मुबारक करे। बेशक आप बरेलवी हो, अल्लाह आपको मुबारक करे। बेशक आप देवबंदी अहले हदीस हो, अल्लाह आपको मुबारक करे। लेकिन अकीदे की बात तो ये कि मसलक बरेलवी ये कहता है, क्या मसलक अहले हदीस ये कहता है, क्या मसलक देवबंदी ये कहता है, क्या सल्फी सैफी अत्तारी ये कहते हैं, क्या नक्शबंदी तिरमिजी कादरी चिश्ती ये कहते हैं कि अल्लाह का किसी देर को दो। अल्लाह फरमाते हैं, बंदे मेरा हक तू देता रहे, मैं तेरा हक देने में देर नहीं करूंगा। संडा खुदा की जात को, कुर्बानी खुदा की जात को, नजर न्याज खुदा की जात को, अब मैं मेरे अजी को बोलूंगा, मैं जवाब आप देंगे। बताओ आपको मुझे पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। एक शहादत की उंगली जरा खड़के कर कर करके को पैदा करने वाला कौन है? मौत हयात का मालिक कौन है? दस्तगीर कौन है? दाता कौन है? हाजत रवा कौन है? पूछा कौन है? अल्लाह अकबर, तंगियां दूर करने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? नफे नुकसान का मालिक कौन है? फिर चार पाठ पर मक्का दो, अल्लाह 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 अल्लाह। ए अल्लाह तू गवाह हो जा, इस मस्जिद के अंदर जितना मजमा बैठा है, ए अल्लाह ये सारे का सारा तेरा नाम लेने वाला है। ए अल्लाह, ये तेरी जात में, तेरी बात में, तेरी उलूहियत में, तेरी अल्लाह कुदरत में, तेरी रुबूबियत में, तेरी कारागिरी में, तेरी सिनाई में, अल्लाह किसी को बर्दाश्त नहीं करता। रब्बे काबा की कसम है, यार यार को बर्दाश्त करेगा, भाई भाई को बर्दाश्त करेगा, पीर पीर को बर्दाश्त करेगा, मुरीद मुरीद को बर्दाश्त करेगा, लेकिन अल्लाह तो एक है। अल्लाह قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। हमारा अकीदा, हमारा ईमान है, जैसे अल्लाह तो वहदहू ला शरीक, अल्लाह तो खुद अपनी कुदरत में, अपनी रुबूबियत में वहदहू ला शरीक है, ऐसे आमना का लाल खत्म नबूवत में वाद है, वाद है, अल्लाह उसका कोई शरीक नहीं। वो खत्म नबूवत में अल्लाह अकबर अकेला है। नबी अपनी जगह आदम सफीउल्लाह बने, नूह नकीउल्लाह बने, इब्राहिम खलीलुल्लाह बने, इस्माइल नबीउल्लाह बने, मूसा कलीमुल्लाह बने, ईसा रूहुल्लाह बने, लेकिन हबीब एक ही बना। वो कौन है जनाब?
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسئلہ میں نہیں بتاتا, مسئلہ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی نے بتلا دیا, مسئلہ بابا فرید الدین گچھر نے بتلا دیا, مسئلہ میرا عزیز لاہور کے علی حجیری نے بتلا دیا, مسئلہ میرا عزیز راول پنڈی کے گولڑے والے نے بتلا دیا کہ خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, وہ وہ ہے, یہ یہ ہے, یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں, وہ خدائی میں یکتا, یہ مصطفیٰ میں یکتا, وہ سارے جہان کا رب العالمین, یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, شان اہل بیت, شان صحابہ, مولانا پیر عبد الرحمن صدیقی صاحب. عقیدہ یہی ہے نا میرے بھائی, سب کا سب بولو عقیدہ یہی ہے, کو بے شک, زور سے کو بے شک, اسی عقیدے کو لے کے قبر کے اندر چلے جانا. عقیدہ توحید والا, عقیدہ ختم نبوت والا, عقیدہ مرنے کے بعد اٹھنے والا. اگر عقیدے کے اندر پختگی ہو گئی, رب کعبہ کی قسم آمنہ کا لال بھی نصیب ہوگا, حوض کوثر پر آمنہ کے لال کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیرہ والا کے اندر درس قرآن دے رہے ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. ایک مجذوب آیا, بال کھلے ہوئے, اللہ اکبر, پاؤں میں پتہ نہیں جوتا تھا کہ نہیں, کپڑوں کی حالت سے بڑا عجیب سا دیوانہ لگتا تھا. آیا حضرت لاہوری کے پاس آ گیا اور آ کے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے کونے میں لے کے چلا گیا. کہ لاہوری تو خدا کے قرآن کی خدمت کرتا ہے, دیکھ روزے کے اندر تیرا کتنا احترام ہے. لاہوری نے فرمایا میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا, میں نے کونے میں دیکھا, اللہ اکبر, اس مجذوب نے جام لکھی, مجھے وہاں گنبد خضرہ نظر آیا, اس گنبد خضرہ کی جالیوں میں مجھے آمنہ کا لال مسکراتے آیا نظر آیا. اور حضور علیہ السلام فرمایا صدقت یا احمد, صدقت یا احمد, صدقت یا احمد. اے لاہوری, شیرہ والا کی کچی مسجد میں جو قرآن کی تفسیر تو سنا رہا ہے, روز انور میں تیری زبان کے اوپر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا ہے. سبحان اللہ. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. او میرا بندہ بتا تو صحیح, تیری میری دوریاں کیوں پڑی ہوئی ہیں, کیا میں تیری کمیٹی کھا گیا, کیا میں نے تیرے رشتے رد و بدل کر دیے, کیا میں نے تیرے مکان پہ قبضہ کر لیا, کیا میں نے تیری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. بندے زمین یہ تو نے کہا کپاس ہو, کیا میں نے نہیں دی, تو نے کہا گندم ہو, کیا میں نے نہیں دی, تو نے کہا فصل کے اندر آم ہو, کیا میں نے نہیں دیے. اے مٹی, لیکن بندے جو تو ارادہ کرتا رہا, لیکن تیرے ارادہ پر اذا اراد شیئا. اللہ, ذرا اپنی پیاری پری زبان سے ذرا بول کے کہہ دو اللہ, پھر کہہ دو اللہ. اے تیرا ارادہ ہوتا ہے ایک, میرا ارادہ, تیرا ارادہ ناقص, میرا ارادہ کامل. پورا اسپتال بڑا پڑا ہے, ہائی فائی ڈاکٹر, اچھی تعلیم یافتہ ڈاکٹر, کوئی امریکہ سے پڑھ کے آیا, کوئی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا, کوئی برطانیہ سے پڑھ کے آیا. مربے بیچ کے تو چلا گیا, فصلیں بیچ کے تو چلا گیا, اگلی فصل ٹھیکے پہ دے کے پیسے لے کے تو چلا گیا. ارادہ شیا, ایک تیرا ارادہ تھا ابا بچ جائے, لیکن میرا ارادہ مرے گا. تیرا ارادہ اس گھر میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے, لیکن میرا ارادہ نہیں. تمیز لے کے دیکھ لے, قرآن پڑھ کے دیکھ لے, درود پڑھ کے دیکھ لے, ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میرے فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں, لیکن جب میرا ارادہ ہوتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تیرا ارادہ کہ بیٹا ہو, لیکن میرا حکم ہے کہ بیٹی ہو. اے میرا بندہ, دائیوں کے زور لگوا لے, بولیوں کے زور لگوا لے, الٹرا ساؤنڈ کروا لے, دم درود کروا لے, عبد الحنان سے تعویذ لے لے, قاری خالی سے تعویذ لے لے, سورہ مزمل کا ورد کروا لے, سورہ رحمان پڑھ لے. جب میرا ارادہ بیٹی دینے کا, تو کائنات کے اندر تجھے کوئی بیٹا نہیں دے سکتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بندے تیرا
मेरा इरादा कि मैं यहाँ फसल उगाऊँ, तुझे हल चलाना पड़ेगा, तुझे पानी लगाना पड़ेगा, तुझे बीज डालना पड़ेगा, खेती बाड़ी का ख्याल करना पड़ेगा, दिन रात तुझे वक्त देना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, 6 महीने मेरा बंदा तुझे इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके फसल तैयार होगी। देख मैंने भी तो फसल तैयार की, आसमानों पर तारे उगा दिए, आसमानों पर चांद खड़ा कर दिया, आसमानों पर सूरज खड़ा कर दिया, जमीन में मैंने गल्ले उगा दिए, गंदम उगाने में, फसल उगाने में, आम के दरख्त लगाने में, खजूर के दरख्त लगाने में, अल्लाह अकबर, पेड़ लगाने में, अमरूद के दरख्त लगाने में, अनार के दरख्त लगाने में, गोश्त पैदा करने में, जानवर पैदा करने में, चिंतनी चूहे पैदा करने में, चुपाहे पैदा करने में, फरिश्ते पैदा करने में मुझे कोई साल नहीं लगा, मुझे कोई 2 साल नहीं लगे। मैंने यूं करके इशारा कर दिया, हो जा, वो चीज हो गई। बंदे तभी तो कासा कहा जा सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो बंदा होता है, जो कुछ ना होते ले सब कुछ कर जाए वो खुदा होता है। सुभान अल्लाह। नबियों ने तौहीद हमको सिखाई, जिस्म अपना पत्थरों से जख्मी करा कर, वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। पैदा करने वाला कौन है? और नहीं नहीं नहीं, जरा दिल की आवाज से कहो, सारे दुखड़े सारी अंदर से मेरे अजीज और रुकावटों को दूर करके कहो, पैदा करने वाला कौन है? मकान देने वाला कौन है? सिलसिले लाने वाला कौन है? बारिश देने वाला कौन है? मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर, पैदा करने वाला भी अल्लाह, मौत देने वाला भी अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला भी अल्लाह, इज्जत देने वाला भी अल्लाह, इज्जतों के नक्शों में जलील करने वाला भी अल्लाह, ओहदे देने वाला भी अल्लाह, ओहदों से उतारने वाला भी अल्लाह। लेकिन मेरे अजीजो, अल्लाह कब समझ आएगा? अल्लाह अकबर, इसके लिए अल्लाह को समझने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने वाले की तरफ में देखना पड़ेगा, मदीने वाले की तरफ में देखना पड़ेगा। वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा हुजूर से रिश्ता कैसा होना चाहिए? तुम्हारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए? तुम्हारी निस्बत कैसी होनी चाहिए? तुम्हारा प्यार कैसा होना चाहिए? तुम्हारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? तुम्हारा राब्ता कैसे होना चाहिए? वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु, जिसकी को नबी कह दे कर दो तो कर दो, जिस चीज से कह दे नहीं करना तो नहीं करना, ये तो गुलामी है रसूल में। और किले ना पो जरा बुलंद आवाज से, गुलामी है रसूल में, ये गुलामी है, ये गुलामी, ये गुलामी नहीं। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये गुलामी नहीं है। नाम सरकार का लेता है, तरीके किसी और पे अमल कर रहा है। मैं परेशानी की बात नहीं करता, मैं बेरोजगारी नहीं कब की बात नहीं करता। जिस बंदे को अपने बेटे की शादी में आवना का लाल याद नहीं रहता, जिसको अपनी बेटी की शादी में आवना का लाल याद नहीं रहता, जिसको अमीरी में आवना के लाल का एहसास कोई नहीं, उसको गरीबी में क्या एहसास होगा? सारी दुनिया के इंसानों से अफजल जात किसकी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मक्का मक्का नहीं था, रुए जमीन के ऊपर एक शहर का नाम था। जब मेरा नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अल्लाह ने मेरे अजीज उसकी हैसियत ही बदल दी, मट्टी की हैसियत ही बदल दी, मट्टी की हैसियत भी बदल दी। और मट्टी तो 300 साढ़े चार की भी, मट्टी तो 316 की भी, मट्टी तो 301 की भी, मट्टी तो पी महल की। फरमाया तमाम मट्टियां एक तरफ, मदीने की मट्टी आला। फरमाया अगर तेरे यहाँ देरी चल जाए, तेरे यहाँ गर्द गुबार चल जाए, तेरे यहाँ हवा चल जाए, तेरे यहाँ जून जुलाई के मौसम है, अल्लाह अकबर, लू चल जाए, हवा चल जाए, फरमाया इस हवा से बचने के लिए, इस मट्टी से बचने के लिए अपना चेहरा ढाप ले, अपनी आंखों पे चश्मा लगा ले, अपने घर के दरवाजे बंद कर दे, अपनी खिड़कियां बंद कर दे। जब तुम मदीने में हो और मदीने में हवा चले, उस हवा के जरिए गर्द गुबार उड़े, खबरदार, आना
उतार दे, खबरदार अपने चेहरे से कपड़ा उतार दे। अल्लाह कह रहा मुझे मेरे रब होने की कसम, जा मदीने की मट्टी हवा से लग जाएगी, उस हिस्से पे जहन्नम की आग खराब हो जाएगी। बेशक बेशक गुबारुल मदीना शिफा मिन कुल्ली दा। ओए लोगों, दुनिया की दवाइयों में वो शिफा कोई नहीं जो खुदा ने मदीने की मट्टी में शिफा रख दी। फरमाया तुझे कैंसर का मर्ज है, तुझे ब्लड प्रेशर का मर्ज है, फरमाया तुझे हेपेटाइटिस का मर्ज है, तेरे गुर्दे फेल हो चुके, तेरे दिल के वाल बंद हो गए। अकीदा शर्त है, अकीदा मजबूत हो, मोहब्बत के अंदर किसी किस्म की दो नंबरी न हो। फरमाया ओ मेरा बंदा, ओ मेरा उम्मती, फरमाया अगर तुझे डॉक्टर कह दे जा घर जाके आराम कर, अब भी तेरी जिंदगी के चार महीने बाकी रह गए, अभी तेरी जिंदगी के दो महीने बाकी रह गए, फिर ऐसा कर कोई मदीने रख, मदीने जाए उससे मेरे मदीने की मट्टी मंगवा ले। या रसूल अल्लाह वो मट्टी क्या बात, कोई केमिकल मिला हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस मट्टी के अंदर कोई दवाई मिली हुई? कोई दिल की दवाई मिली हुई? कोई हेपेटाइटिस की नहीं जदीद की दवाई मिली हुई? फरमाया नहीं नहीं, उस मट्टी के अंदर मैं मोहम्मद आराम फरमा रहा हूँ, उस मट्टी में मेरा रोज है, उस मट्टी में मेरी आयशा का है, उस मट्टी में मेरा अबू बकर है, उस मट्टी पे मेरा उमर है, उस मट्टी पे मेरा बिलाल है, उस मट्टी पे मेरी फातिमा है, उस मट्टी पे मेरी आयशा है। मुझे अल्लाह के रब होने की कसम है, ये वो बाबरकत मट्टी है, ये वो गलियां है जिन गलियों में आमना का लाल आया जाया करता था, ये वो गली है जिस गली में फातिमा की डोली अली लेके गया, ये वो गली है जिस गली में डोली उठ के आयशा की मोहम्मद के घर पे आई, ये वो गली है जिस गली में कभी हुसैन दूल्हा बना, कभी बिलाल दूल्हा बना, कभी अबू हुरैरा दूल्हा बना, कभी उस्मान दूल्हा बनके इन्हीं गलियों से दो मर्तबा कबली वाले के दरवाजे पर आया। अल्लाह को उस्मान अबू बकर तो दूर की बात है, इनके कदमों की बरकत से अल्लाह को उस मट्टी पर इतना प्यार आया। फरमाया बड़े से बड़ा मरीज उस मदीने की मट्टी की चुटकी खा लेगा, अंदर मट्टी फाक लेगा। रब्बे अकबर की कसम है, मट्टी मदीने की चाटना तेरा काम है, बड़ी से बड़ी बीमारी तेरे अंदर से निकाल देना मैं परवरदिगारे आलम का काम है। बेशक बेशक जाना चाहते हो मदीना? कौन कौन जाना चाहता है मदीना? सारे जाओगे? पैसे है कोई नहीं फिर भी जाओगे? माल है कोई नहीं फिर भी जाओगे? पासपोर्ट है कोई नहीं फिर भी जाओगे? रकबे है कोई नहीं फिर भी जाओगे? तो मालूम हुआ पैसे वाले नहीं मदीने जाया करते, मुकद्दरों वाले मदीने जाया करते हैं। अबू ज़र ग़फ़ारी कहाँ था? कहाँ के आराम कर रहा है? अबू हुरैरा कहाँ था? कहाँ आराम कर रहा है? सुहेब कहाँ था? कहाँ आराम कर रहा है? अबू ज़र ग़फ़ारी कहाँ था? बिलाल कहाँ था? तुझे तो जानता ही कोई नहीं था। जब उमैया बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को मार रहा था, अल्लाह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आए, फरमाया इस बिलाल नु छड़ दे, का बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का तू क्या करेगा? अल्लाह अकबर, बिलाल का तू क्या करेगा? फरमाया अल्लाह अकबर, ये मेरा साथी है, मेरा कलमा गो भाई है। फिर वो मैया कह लगा अपना चिट्टे रंग का गुलाम मेनू दे दे, अल्लाह अकबर काले रंग का तू ले ले। पर मैं जल्दी कर, देर किस बात की, इस ऊपर जितने पैसे मांगूंगा दूंगा। जब चिट्टे रंग का गुलाम दे दिया, मोहम्मद का काले रंग का बिलाल ले लिया, बिलाल का हाथ पकड़ कर जब हुजूर की खिदमत में आए, सरकार ने कभी सिद्दीक का चेहरा देखा, कभी बिलाल का चेहरा देखा? पर मैं अबू बकर इसे खरीदने में तूने क्या खर्च किया? कमली वाले मैंने सोना गुलाम दे दिया, मैंने माल दे दिया, पर मैं तुझे पता ही कोई नहीं, और तू बिलाल खरीद के नहीं लाया बल्कि जन्नत की हूरों का दूल्हा खरीद के ले आया है। फिर यही बिलाल है मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, फिर ये बिलाल है चलता मक्के की गलियों में, आवाज जन्नत के अंदर सुनाई देती है। यही बिलाल है मरा दमिश्क के अंदर, खबर मेरा दीन और मुल्क के शाम में जा मैं हाजिर होकर मैं भी हाजिरी दे के आया। पर मैं और लोगों जो जहां मरा वहां से उठेगा, पाकिस्तान में मरने वाला पाकिस्तान से उठेगा, कराची में मरने वाला कराची से उठेगा, 300 मेरा दीदो मरने वाला यहाँ से उठेगा, 300 450 से मरने वाला वहां से उठेगा। लेकिन बिलाल तेरे मुकद्दर जाग गए, तेरे बाग हरे हो गए, खबर तेरी दिविश में बनी, कयामत के दिन मेरे रोजा अनवर से उठाया जाएगा। खुदाए पाक की कसम, पता लगा यहाँ माल नहीं चला करता, यहाँ तो आमना का लाल चला करता। जाओगे मदीने? जाओगे मदीने?
करोगे, भर भर के सुनहरी जागियों के साथ लगोगे, और पढ़ पढ़ कर हुजूर अलैहि सलाम को अपने दुखड़े सुनाओगे, दरूद पाक का नजराना पेश करोगे, आका को खुद जाकर सलाम करोगे, अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वीरा आखिरी बातों में आपसे बात रख करके जाऊंगा, जब बात हमारी हुजूर के बगैर बनती कोई नहीं, दुनिया के अंदर बताओ हुजूर के बगैर बात कोई बनती है नहीं। रहमत वाला नबी हमारी जिंदगी में, हमारे सीने में, हमारी जान में, हमारी दिमाग में, हमारी आंखों में ना हो तो बात बनती है नहीं। जब यहाँ बात नहीं बनती तो कब्र में बात कैसे बनेगी, जो यहाँ बात नहीं बनती मैदान हशर में बात कैसे बनेगी, जो यहाँ बात नहीं बनती पुल सरात में बात कैसे बनेगी, जो यहाँ बात नहीं बनती मैदान अदल में बात कैसे बनेगी, यहाँ बात नहीं बनती तो खुदा के सामने पेशी में क्या बात बनेगी। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजो फरमा ठीक है तूने मेरा कलमा पढ़ा, ओक्सो किसान तो हो जाता है लेकिन तौबा करके आना, मैदान मासर में मुझे नजर आ गया, मैं खुदा के पास ले जाऊंगा, क्या करूंगा सिफारिश करूंगा, क्या करूंगा मुंह से सिफारिश करूंगा, नहीं नहीं कमली वाले क्या करेंगे, पर मैं तेरा हाथ पकड़ के मैं उसे रोके दिखाऊंगा, मेरे रोने पे उसे प्यार आएगा, प्यार में रोना मैं शुरू करूंगा, प्यार मैं कर प्यार उसे आएगा, अल्लाह के नबी मेरा क्या बनेगा। पर मैं जब मेरे रोने पे उसे प्यार आ गया, तेरे लिए जन्नत के आठ दरवाजों को खुद ब खुद खुदा खोल देगा। रब्बे काबा की कसम, फरमाया मेरा उम्मती परेशान न होना, हौज़े कौसर पर तेरे साथ, मेरा उम्मती परेशान न होना, मैदान अदल पर तेरे साथ, मेरा उम्मती परेशान न होना, उन सरात पे तेरे साथ कराऊंगा। या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन आपको कहां तलाश करे, आपने फरमाया मुझे इंदल मीजान, मुझे जान अमालदा में तो ले जाएंगे, वहां मुझे तलाश कर लेना। या रसूल अल्लाह आप क्या करोगे, तड़कड़ी आपके हाथ में होगी, कंडा आपके हाथ में होगा, पत्थर किलो दो किलो का मल दो मल का आपके हाथ में होगा। फरमाया नहीं, मैं तो हाथ बांध के खड़ा होऊंगा। या रसूल अल्लाह फिर क्या करेंगे, फरमाया जिस उम्मती की नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाहों वाला भारी हो जाएगा, वो उम्मती मेरी तरफ देखेगा, मैं कहूंगा परेशान क्यों होते हैं, मैं हूं ना। अल्लाह के नबी क्या करोगे, आपने फरमाया मैं अपनी नबूवत वाली निगाह नेकियों वाले पलड़े पे डालूंगा, मेरी निगाहों की बरकत से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। कमली वाले, अगर वहां हमारा बेड़ा पार हो गया तो फिर आपको कहां तलाश करें, पर मैं इंदल पुल सिरात, मुझे पुल सिरात पे तलाश कर लेना। या रसूलल्लाह क्या बनेगा, फरमाया आमाल की कमजोरी की वजह से डावा डोल होगा, जिथे तू गिरन लगेगा मैं नबूवत वाला हाथ आगे बढ़ाऊंगा, और मेरा हाथ जिसके हाथ में आ गया फिर पुल सिरात तो दूर की बात, और देखो सर तो दूर की बात, मैदान अदल की दूर दूर की बात, उस वक्त तेरा हाथ छोड़ूंगा जब तुम्हें जन्नत फिरदौस के अंदर लेके चला जाऊंगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, इंसान की नेकियां कम और गुनाह ज्यादा, रब कहेगा दस की करना है, अम्मा अब्बा बहन भाई हर तरफ मुंह करेगा, कुछ सारे मुंह मोड़ के खड़े हो जाएंगे, नजर पड़ेगी आमना के लाल की तरफ, कोना जरा सुभान अल्लाह, होले बोलो जोर दी ना बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंदवा से पीछे वाले भी जो जो चाहते हैं कयामत के दिन हुजूर के साथ असर हो जाए, जो कहता है कयामत के दिन हुजूर के साथ जन्नत नसीब हो जाए वो जोर से बोले, दिल के सीने के जोर से बोले, दोनों हाथ खड़े करके बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, जितने हाथ खड़े तेरे नबी की शान में, या अल्लाह जितने हाथ सुभान अल्लाह में खड़े, अल्लाह कयामत के दिन इन हाथों में अपने नबी के हाथों से हौज़े कौसर नसीब फरमा देना, हौज़े कौसर का जाम अता फरमा देना इनको सुभान अल्लाह। फरमाया कयामत का दिन होगा, नमाज में कमी, रोजे में कमी, किरदार में कमी, अखलाक में कमी, अल्लाह फरमाएंगे जा अम्मा को जा, जा यार की यारी के पास जा, जिसका नाम अपने हाथ पे लिखवाया करता था, जा उस यार के पास जा जिसका मोबाइल के अंदर तेरे मैसेज उसी के हुआ करते थे, उसी का नाम होगा। अल्लाह जी कोई मैनू मुंह नहीं मारदा, मेरे अजीज सरकार मदीना मुस्कुराएंगे, फरमाया इसी दिन के लिए तो मैं उम्मती में बनाया गया था, तुझे कोई मुंह नहीं मारता, तुझे कोई मुंह नहीं लगाता, आमना का लाल तुझे लगा। अल्लाह के नबी क्या करेंगे, दस की होया, या अल्लाह गुनाहों वाला पलड़ा भारी, अल्लाह के नबी नेकियों वाला पलड़ा हल्का। रहमत वाले नबी अपनी जेब से कुड़िया मुबारक निकालेंगे और यूं करके फेंक देंगे, वो सीधी नेकियों वाले पलड़े में जाएगी, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। फिदा का भी मौली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
इसने क्या है फरमाओ मेरा उम्मती 100 साढ़े 3 में 100 मैं मेरा उम्मती 300 साढ़े 4 में फौजी मोहम्मद मुश्ताक ने अपने वालिदैन के अपने नाना नानी अपने दादा दादी के अपने भाई के साले सवाब के लिए जलसा किया था जी किया था कहां से आया था 301 से आया था कहां से आया था चट्टाने से आया था कहां से आया था 306 से आया था चोरकोट से आया था क्या लाया खाली हाथ आया था अल्लाह अकबर याद कर माब्दुल हलाल सिद्दीकी आया था उसने मेरा नाम लिया तेरी जुबान से निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुरूद मेरे पास पहुंच गया मैंने उसे संभाल के रख लिया आज तेरे माँ का आमना ही बाप का आमना आया आमना के लाल से पड़ा हुआ दुरूद काम आ गया है ये दुरूद मेरे अजीज पलड़े में डल जाएगा तो देखे वाला पलड़ा भी भारी हो जाएगा अंदाजा लगाओ 300 साढ़े 4 वालों जिस नबी के नाम में इतनी बरकत है उसकी शान क्या होगी उसका किरदार क्या होगा उसकी जात क्या होगी उसके लालों का क्या मकाम उसकी बेटियों का क्या मकाम उसकी बीवियों का क्या मकाम उसके नवासों का क्या मकाम उसकी आल का क्या मकाम उसके असहाब का क्या मकाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है हमारा अकीदा मुहम्मद हमारे बड़ी होले ना बोलो होले ना बोलो मुहम्मद हमारे मुहम्मद हमारे मुहम्मद हमारे अल्लाह अकबर अपना कलाल भी आला अपना के लाल का यार अबू बकर भी होले नहीं चलना अपना के लाल का यार अबू बकर भी उमर भी उस्मान भी अली भी मुआविया भी दोनों हाथ खड़े करके मुआविया भी हुसैन भी हसन भी फातिमा भी जैनब भी रुकैया भी उम्मे कुलसूम भी आयशा भी हाथ बुलंद करके आयशा भी खदीजा भी उम्मे सलमा भी हफ्सा भी रुकैया भी मेरे नबी का मक्का भी मेरे नबी का मदीना भी उतरा हुआ कुरान भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मदीने की मट्टी भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मदीने की मट्टी की निस्बत भी आला जब मेरे अजीज वो हर चीज आला आला है तो आला को छोड़कर हम घटिया की तरफ क्यों जा रहे हैं आला को छोड़ के अदना की तरफ क्यों जा रहे हैं आ जाओ 300 साढ़े 4 वालों अल्लाह अकबर उम्मीदें पूरी होंगी तो इन्हीं के कदमों में आस मेरे अजीजों पूरी होगी तो इन्हीं के कदमों में खुदा मिलेगा तो मदीने से मिलेगा मुस्तफा मिलेगा तो मदीने से मिलेगा सहाबा की गुलामी मिलेगी तो मदीने से मिलेगी ओए लोगो किसी का मरकज व्हाइट हाउस किसी का मरकज IMF लेकिन हमारा मरकज मदीना बोलो हमारा मरकज हमारा मरकज हमारा मरकज हमारा मरकज अल्लाह अकबर हमारे दो मरकज है एक मरकज का नाम मक्का दूसरे का मदीना है मक्के पे नजर पड़े खुदा याद आ जाता है मदीने पे नजर पड़े मुस्तफा याद आ जाता है अब कामयाबी मेरे अजीजों मिलेगी नारों में कामयाबी मिलेगी इसके रसूल सुनने में कामयाबी मिलेगी इससे रसूल बयान करने में लेकिन ये आधी कामयाबी है पूरी कामयाबी क्या है हमने इश्क बयान भी करना है हमने सीरत बयान भी करनी है सीरत को अपनाना भी है सीरत कहती है चेहरे जैसा चेहरा कोई नहीं सूरत कहती है चेहरे जैसा चेहरा कोई नहीं आँख जैसी आँख कोई नहीं उंगली जैसी उंगली कोई नहीं पसीने जैसा पसीना कोई नहीं थूक जैसा थूक कोई नहीं लेकिन सीरत क्या कहती है अल्लाह अकबर बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर आंसू बहा रहे और क्या कह रहे अल्लाह सारी दुनिया मोहम्मद के दर पे आती है ये राम की चादर बांध के तेरे दर पे आके खड़ा है अल्लाह मुझे भेजा इसलिए लात से उज्जत से मनात से हर तरफ से ध्यान छुड़ा दो तेरी तरफ ध्यान दिला दो अल्लाह की पहचान हुई मुस्तफा के जरिए कुरान मिला मुस्तफा के जरिए खत्म नबूवत का अकीदा मिला मुस्तफा के जरिए सहाबा का मकाम मिला मुस्तफा के जरिए रब्बे काबा की कसम दुनिया बनेगी हुजूर के कदमों में आखिरत बनेगी नबी की सीरत में आ जाओ 300 साढ़े 4 वालों किरदार में गुफ्तार में सूरत में सीरत में अकल में नकल में शक्ल में रंग में दिन में रात में हमें आमना के लाल की सीरत को अपनाना पड़ेगा मैं भी पक्का वादा करता हूँ कि जिंदगी हुजूर की सीरत के मुताबिक जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों के मुताबिक गुजारूंगा आप भी इरादा करते इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज आमना का लाल हमें तोहफा दे के गए
कबूल करते उस तोहफे को, पांच वक्त दिन रात में कबूल करेंगे, सारा मजमा कबूल करेगा। हमारा कल आलम में कुरान का तोहफा देके गए, इसको पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आमिना के लाल अल्लाह से हमें रमजान का तोहफा लेके देके गए, साल में एक मरतबा रमजान का महीना तो रखेंगे इंशाल्लाह, रोजे सारे पूरे पूरे रखेंगे। आमिना के लाल हमें किरदार देके गए, हमें अखलाक देके गए, हमें प्यार देके गए, हमें माँ का प्यार, हमें बाप का प्यार देके गए। आमिना के लाल हमें भाई का प्यार देके गए, बहन का प्यार देके गए। आमिना के लाल फूफे मासी खालों की रिश्तेदारी देके गए। यकीन जानो कामिल मुसलमान, कामिल तौहीदी उसी वक्त बनता है जब सूरत में सीरत में लफ्ज का न लको फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। जब सूरत में भी आमना के लाल को मानना पड़ेगा, सीरत में भी आमना के लाल को मानना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पूरी पूरी तैयारी के साथ पूरा इरादा करता हूँ कि अपनी जिंदगी में, अपनी नस्लों की जिंदगी में आमना के लाल के तरीकों को जिंदा करूंगा। क्या आप भी मेरे अजीज वादा करते हो? फिर बुलंद आवाज से कहो, नारा है तकबीर, नारा है तकबीर, नारा है तकबीर, दाइदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, दाइदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, दाइदारे खत्म नबूवत, दाइदारे खत्म नबूवत, दाइदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ खड़े रखो, जुमला देके जा रहा हूँ। या अल्लाह जिस तरह अब इस वक्त हाथ लहरा रहे, कब्र के अंदर भी खत्म नबूवत का नारा लगाते जाए, मैदान मासर में भी खत्म नबूवत का नारा लगाते जाए। जब ऐसे हमारे हाथ खड़े हो, आमना का लाल देखे सिद्दीक उमर उस्मान अली पूछ के कहे कौन आ रहा है, तो आमना का लाल हमारे हाथों को हिलता देख के कहे ये पठान आवाज नहीं आ रहा बल्कि खत्म नबूवत का चौकीदार आ रहा है। आए खत्म नबूवत, दारे खत्म नबूवत, दारे खत्म नबूवत, दारे खत्म नबूवत। या अल्लाह, या अल्लाह जो हाथ खत्म नबूवत के नारों में अल्लाह उठे हैं, अल्लाह इन हाथों में हमारा नसीबा जगा दे, अल्लाह हमारे बच्चों की इज्जतों के फैसले फरमा दे, अल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबी दे दे। मालिक कायनात हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को नेक बना दे, हमारी बच्चियों को रिश्तों में, शादियों में अच्छे घराने अता फरमा दे। मालिक कायनात ये हाथ खड़े हुए, अल्लाह इन हाथों को कब्र के अजाब से बचा ले, इस वजूद को अल्लाह हशर के अजाब से बचा ले, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा ले। नीचे कर लीजिए, अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे, सहाबा की गुलामी करेंगे, सहाबा के गुस्ताखों का सामना करेंगे। और जो मेरे अजीजो इंडिया के अंदर मेरे अजीजो बीजेपी की हुकूमत ने, उनके लीडरों ने, मेरे अजीजो जो हुजूर की शान में का, आज मेरे अजीजों दुआ करो, या अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत दे दे, वरना अल्लाह वो रात को सोए उन्हें सुबह उठना नसीब ना हो, कह दो आमीन। ऐसी मौत दे उनकी शक्लों से, अकलों से पता लगे ये गुस्ताख रसूल है। आइंदा अल्लाह किसी को गुस्ताखी करने का मौका न मिले, खा वो कादियानी हो, खा वो बीजेपी वाले हो, खा वो मेरे अजीज हो, पूरी दुनिया के अंदर नार्वे हालांड वाले हो। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुजम्मत करते हैं, जब तक इंडिया माफी नहीं मांगता, उन गुस्ताखों को कैसे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, तुम्हारे से हमारा लेना देना बंद है। हम प्याज के बगैर गुजारा करेंगे, हम मेरे अजीजों मिर्चों के बगैर, हम टमाटर के बगैर गुजारा कर लेंगे, हम पान छाली के बगैर गुजारा कर लेंगे, लेकिन आमना के लाल के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कारोबार पे लानत भेज दो जो उनका कारोबार, उससे होने वाला फायदा हो कि खत्म नबूवत की पगड़ी पे हमला करे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, या अल्लाह ये हमारे बोल अपने नबी तक पहुंचा दे। ए अल्लाह के नबी, हम शर्मिंदा हैं, हम कारोबार करते हैं, हम जिम्मेदारा करते हैं, लेकिन तेरी खत्म नबूवत की चौकीदारी नहीं करते। अल्लाह ये पैगाम हमारा हमारे नबी के रोजे में पहुंचा दे कि अल्लाह अकबर 300 साढ़े 4 के अंदर कुछ दीवाने बैठे हैं, वो कमली वाले तेरी हुरमत पर कुर्बान होने का वादा कर चुके हैं, तेरी खत्म नबूवत की पगड़ी पर कुर्बान होने का वादा कर चुके हैं। याद रखो मेरा अजीजो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही वबलदी वन्नास अजमईन। अल्लाह मदीने वाले को हमारा पैगाम दे दे, हम माल से, औलाद से, बीवी से, बच्चों से, अल्लाह अकबर, सारे जहान से ज्यादा आमना के लाल से प्यार करते, कह दो बेशक। हाथ खड़े करके दो बेशक, हाथ खड़े करके दो बेशक। हमारा अकीदा, हमारा ईमान अबू बकर वाला, बेशक।
कहा था बाप मैंने तुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर ने तलवार उठा ली, फरमाया मैं तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता बल्कि मोहम्मद का दुश्मन समझ के कत्ल कर देता। इंशाल्लाह हुर्मत रसूल बचाने में, नबूवत की पगड़ी बचाने में, खत्मे नबूवत का प्रचार करने में औलाद आई परवानी करेंगे, और लोगो यारी आई परवानी करेंगे, माँ बाप आए परवानी करेंगे। हमें अल्लाह की कसम आमना का लाल अजीज है, रिश्तेदारी बाद में आमना का लाल पहले, कारोबार बाद में आमना का लाल, जरात बाद में आमना का लाल, बीवी बाद में आमना का लाल, यारी बाद में आमना का लाल। फिर क्यों ना कहूँ ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे, आपके जज्बे को अल्लाह कबूल फरमाए, और आपके ईमान की हरारत को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जी मुश्ताक साहब रिटायर हुए और कहने लगे इंशाल्लाह मेरा पहला काम, मैं बीवी को लेके दुबई नहीं जाऊंगा, मैं नारायण का गान नहीं जाऊंगा, इस हलाल कमाई से अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाऊंगा। और फौजी मुश्ताक साहब ने जो इरादा किया, हम भी सारे इरादा करते इंशाल्लाह तेरे रास्ते में निकलेंगे, पूरी जमात इंशाल्लाह चिल्ले 4 महीने के लेके जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।